अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ताबा किचन। आज हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पिज्जा मैश पोटैटो चिली ब्रेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ताबा किचन। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मैश पिज्जा पोटैटो। मैंने अपने पोटैटो फोर बॉईल करके पहले ही मैश करके रख लिए थे अच्छे से। ये देखें, बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है। इसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा नमक, मतलब हाफ क्वार्टर नमक और हाफ क्वार्टर ही काली मिर्च, और इसमें आपने 2 टेबल स्पून इतना मिल्क ऐड करना है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने नहीं यूज़ किया। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसका मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी, मैंने इसको फ्रीज करके रखा हुआ था, वो मैंने तैयार किया हुआ था। वो आप चिकन में मटेरियल का तैयार करना चाहें, जैसे मर्जी से पिज्जे के बन के बनाते हैं ना, कोई भी लज़ानिया के लिए पिज्जे के लिए जैसा मटेरियल आप चाहते हैं, चिकन में, चिकन बॉडी में, टिक्का बॉडी में, जैसे लाइक करते हैं वो बना लें। मैंने इसका मटेरियल बीफ में बना के रखा हुआ था। अब हम पोटैटो की शेप बनाएंगे, शेप बनाकर आपको दिखाते हैं। देख गाइस, हमने अपने पोटैटो मैश पोटैटो को अच्छे से कर लिया था, आपको हमने बता भी दिया इसमें हमने क्या क्या मिक्स किया है। उसकी ऐसे से थोड़ा सा होल बना लेना है। अब हम इसके अंदर अपने उसको फिलिंग करेंगे। फिलिंग आप जितना ज़्यादा वो बनाएंगे उतना कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते, पोटैटो को बहुत लाइक करते हैं, इसलिए मैं फिलिंग करूँगी अपनी क्वान्टिटी के मुताबिक। और अब इसके अंदर हमें डालनी है थोड़ी थोड़ी चीज़ स्लाइस लेनी है, अच्छी अच्छी जैसी आपको अच्छी लगती है वो कर लें। मुझे रखनी है इसके ऊपर ऐसे करके, तो इसको कवर करें, ऐसे कवर करें। और इसके ऊपर हमें स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला। और हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, हमारे मैश पोटैटो चीज़ी मैश पिज़्ज़ा पोटैटो रेडी है। आप इसके देखिए, ये देखिए मैं भी डालती हूँ, कितने मज़े के सॉफ्ट, ये बच्चे बहुत लाइक करते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चलेगा। ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।